हाँ जी जी कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सभी ठीक ठाक होंगे। तो मैजिक रसोई में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम मैजिक रसोई में पोहे के कटलेट, या इसको टिक्की भी कह सकते हैं, बहुत ही टेस्टी से बनते हैं। चलिए देख लेते हैं पोहे के कटलेट हम कैसे बना रहे हैं। यहाँ पर एक बॉल पोहे को मैंने अच्छे से धोने के बाद 5 मिनट तक इसको सॉफ्ट होने के लिए रख दिया था, और इसका पानी अच्छे से निकाल दिया है। बिल्कुल अच्छे से पानी निकालना है। तो उसके बाद ये पोहे को हम बहुत ही अच्छे से मैश करेंगे, इसका डोसा बना लेंगे। अच्छे से हाथों से मसलते हुए इसको मैश कर लेना है। तो देखिए पोहे को हमने अच्छे से मसल कर तैयार कर लिया है, बहुत ही अच्छा सा डो बनकर तैयार हो चुका है। तो यहाँ पर मैंने 2 उबले हुए आलू, जिसको हमने ग्रेटर की हेल्प से बहुत ही अच्छे से ग्रेट कर लिया था, तो वो उबले हुए आलू हम इसके अंदर डालते हैं। तो हम इसके अंदर डालेंगे अभी 1/2 बारीक कटा हुआ प्याज हम इसके अंदर डाल देंगे, थोड़ा सा हमने हरा धनिया इसके अंदर डाल दिया है, और आप चाहे तो हरी मिर्च भी बारीक काट के इसके अंदर डाल सकते हैं। मैं इसके अंदर 1 चम्मच भरकर चिली फ्लेक्स डाल रही हूँ, और थोड़ा सा साबुत जीरा, बिल्कुल थोड़ा सा हल्दी पाउडर इसको कलर देने के लिए, और 1/2 चम्मच गरम मसाला, 1 चम्मच भर के मैंने इसके अंदर नमक डाल दिया है। आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक डाल सकते हैं, और 1 चम्मच ही मैं इसके अंदर अमचूर पाउडर डाल रही हूँ, बहुत ही टेस्टी सा फ्लेवर देता है। तो थोड़ी सी ओरिगानो भी डालेंगे, इसका फ्लेवर और भी अच्छा हो जाएगा। तो आप चाहें तो अमचूर पाउडर की जगह आप इसके अंदर चाट मसाला भी डाल सकते हैं, जाकि थोड़ा सा नींबू का जूस निकाल के डाल सकते हैं इसके अंदर। तो यहाँ पर अभी हम सारी चीज़ों को बहुत ही अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अगर आपको आपका डो थोड़ा सा पतला लगता है, थोड़ा जैसे कि सूखा नहीं है, तो आप इसके अंदर थोड़ा सा चावल का आटा 1 चम्मच के करीब डाल सकते हैं, बिल्कुल बैलेंस हो जाएगा। ये हमारा बहुत ही अच्छा सा डो बनकर तैयार है। चलिए अब हम इसको शेप देते हैं, वो आपकी मर्जी है आपने इसको कैसे बनाना है। तो मैं इसको टिक्की की शेप दे रही हूँ, जैसे टिक्की बनाते हैं या कटलेट बनाते हैं, उसी तरीके से हमें इसको बनाकर तैयार करना है। हाथों को थोड़ा सा ग्रीस कर लेंगे। तो अभी हम डो से थोड़ा सा पोर्शन लेंगे, इस तरीके से इसको पहले गोल करेंगे, जैसे टिक्की की शेप देते हैं, इसको हल्का हल्का दबाते हुए अच्छे से टिक्की की तरह बना लेंगे। तो इसी तरीके से हमें सारे जो है कटलेट बनाकर तैयार कर लेने हैं। तो चलिए हमने कटलेट पूरे बना लिए हैं, अभी बारी आती है इसको फ्राई करने की। तो फ्राई करने के लिए हमने पैन के अंदर तेल डाल दिया है, हम इसको शैलो फ्राई करेंगे, डीप फ्राई नहीं करेंगे। शैलो फ्राई करने के लिए हमने पैन के अंदर तेल डाला है उतना ही, आप देख सकते हैं, और जितने हमारे ये कटलेट पैन के अंदर आ जाएंगे उतने हम डालेंगे। एक तरफ से बहुत ही अच्छे से सिकने देंगे, अभी इसको बिल्कुल भी हम टर्न नहीं करेंगे, नीचे से अच्छे से सिक जाएंगे तभी हम इसको पलटेंगे। और गैस का फ्लेम हम हाई ही रखेंगे, हाई फ्लेम पर ही हम इसको सेकेंगे। तो देखिए हमारी 3-4 मिनट में एक तरफ से टिक्की जो है सिककर तैयार हो चुकी है। हम पलट देंगे तो सारी टिक्की को हमने पलट दिया है, दूसरी ओर से भी ऐसा बहुत ही अच्छा सा जमी सा कलर, जैसे गोल्डन सा कलर आ जाए। तो हम दोनों ओर से सेक कर इनको निकाल लेंगे। देखिए हमने पलट कर टिक्की दोनों ओर से अलट पलट कर बहुत ही क्रिस्पी होने तक सेक ली है, क्योंकि ये बाहर से बहुत ज़्यादा क्रिस्पी और अंदर से सॉफ्ट होती है। तो हमने इनको दोनों तरफ से सेक लिया है, बहुत ही अच्छी हमारे ये कटलेट बनकर तैयार हुए हैं, बहुत ही टेस्टी बने हैं। तो अभी हम कटलेट को सारे को बाहर निकाल लेते हैं। कटलेट हमारे सिक चुके हैं, हमने सर्व कर दिया है इसको। आप चाहे तो इसके साथ हरी चटनी और चाय के साथ इसको एंजॉय कर सकते हैं, बहुत ही यम्मी टेस्टी से बनते हैं। अगर जब आपको मेरी रेसिपी पसंद आए तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक शेयर कमेंट कर दीजिएगा। मिलते हैं अपनी एक और नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।